हेलो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूज़ केस में जो फंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है रिलायंस ग्रोथ फंड। नॉर्मली इसमें इस सीरीज़ में हमने उन फंड्स को लिया है जो 20 साल से ज़्यादा मार्केट में हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछले 20-21 सालों में इन फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है। तो आप देखिए, रिलायंस ग्रोथ फंड ये रिलायंस म्यूचुअल फंड हाउस का है जो कि अक्टूबर 1995 में लॉन्च हुआ था, और ये एक ओपन एंडेड फंड है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP इसमें 100 रुपये से भी कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड, अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है, अदरवाइज कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर हम इसका हिस्टोरिक ग्राफ देखते हैं 1995 से लेके 2017 तक, तो देखिए कैसे इनिशियली इसने काफ़ी धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्टिंग में है, लेकिन ऊपर नीचे जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे हुआ है पिछले 20 साल में, उसके हिसाब से ये भी ऊपर नीचे हुआ है। और अभी देखिए आज के डेट में 1037 इसका NAV है, यानी कि 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था और 1037 हो गया, यानी कि 100 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसमें। अब देखिए कि अभी इसका आज के डेट में NAV कितना है, 1037 रुपये है इसका NAV, यानी कि स्टार्टिंग में आज से 21 साल पहले इसने लिया है उसका पैसा 103 times बढ़ गया है। अब जैसे अगर उस टाइम पे किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू हो गई थी 1 लाख। अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू हो जाती 10 लाख, और अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता उस टाइम पे तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 1 करोड़। ऐसे ही अगर किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो वो हो जाता 10 करोड़। तो आप देखिए, ऐसे बहुत कम एसेट क्लासेस हैं, इवन रियल इस्टेट है या गोल्ड है या और भी दूसरे इन्वेस्टमेंट के है, जैसे बैंक की FD वगैरह है, तो कोई भी ऐसा क्लास हो इतना अच्छा रिटर्न, मतलब 20-21 साल में 100 गुना कर दिया है, ऐसा बहुत कम आप देखेंगे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपने जो पैसा लगाया वो पिछले 20-21 साल में वो 100 गुना हो गया हो। अब जैसे इसका वही FD से अगर रिटर्न कंपेयर कीजिए, देखिए रिटर्न अगर 8% के हिसाब से FD में है तो भी 1000 का 5,000 होता है, 10,000 का 53,000, 1 लाख का 5 लाख से थोड़ा ज़्यादा, 10 लाख का भी 53 लाख, तो मतलब ज़मीन आसमान का फर्क है। कहाँ यहाँ पे 1 लाख लगाने पे सिर्फ 5 लाख बन रहा है, और कहाँ इस फंड में लगाने से 1 लाख का 1 करोड़ बन रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे इस सीरीज की समरी है, मैं बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में कभी भी इन्वेस्ट करना हो तो एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अपना पैसा, लॉन्ग टर्म का पैसा बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में वेस्ट मत करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे नए वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँगा वो आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू।